मकतूल जिगर कातिल है नजर एक माह जबी एक नूर नगी रब की रुबाई या है तबाही घर नम सुराई बोली इलाही अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भईबा भईबा बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी तेरा भी कभी भी चेहरे तो एहसान बहुत थे रब जैसे इंसान बहुत थे लेकिन एक बंदे से अपने जीने के अरमान बहुत थे अबे छोड़ छाड़ सब यार चुके हैं सिगरेट का कश मार चुके सिगरेट चुनेगा जी वैसे तो स्मोकिंग गलत है लेकिन एक लेकिन ये बहुत नया है और इलेक्ट्रो हिप हॉप है एक नया जॉनर जी सिगरेट जो पिया उसकी नहीं नहीं सिगरेट नहीं पीता मैं किसी को बोलूंगा भाई सिगरेट नहीं पीता भाई अस्सलाम वालेकुम आदाब आप देख रहे हैं स्ट्रीट ऑफ़ मैं हूँ आशिया खान हम आपको मिलवाने वाले हैं एक पुंछड़ी ऐसी शख्सियत से जिन्होंने एक छोटे से जिले से फिर भी बॉलीवुड में अपना नाम बहुत ही गूंज रहा है उनका नाम कल उनका जी म्यूजिक की तरफ से गाना लॉन्च होने वाला है भूल चुके हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे ये उनके सॉन्ग का पोस्टर है भूल चुके हैं एहसान असगर जी हमारे साथ हम आपको बता दें पहले ये इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं अनु मलिक फरा खान और सोनू निगम की तरफ से इनको बहुत ही प्यार और सपोर्ट मिला है तो आज चलिए हम इनसे बातचीत करें शुक्रिया आपका जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी छोटे से मतलब जिले से कौन से बिलोंग करते हैं आप और फिर किस तरह की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी स्टार्टिंग में जब आपने अपने करियर की शुरुआत की जी पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ पे कवरेज कराने के लिए ये इसे मैं एक सफ़र बोलूँगा जो पुलिस से शुरू हुआ यहाँ पे टैलेंट होते थे जम्मू कश्मीर में जैसे पुलिस करवा दी यहाँ पे चूना आसमान वहाँ से मैं निकला वहाँ से मेरी थोड़ी मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट में और रेंज में बन गई तो उसके बाद मैं यहाँ पे कंपटीशन में करता रहा फिर उसके बाद मैं इंडियन आइडल के ऑडिशन दिए इंडियन आइडल में सिलेक्शन हुई मेरी तो मैं एज इंडियन आइडल कंटेस्टेंट था एहसान असगर जिसे एक सोनी टीवी में बहुत मोहब्बत मिली सोनू सर अनु मलिक सर फरा मैम ने मेरे को बहुत मोहब्बत दी तो वहाँ से मेरे को कॉन्फिडेंस आया हाँ एहसान अगर आपके लिए पुंछ से जम्मू आके गाना बड़ी बात थी आप यहाँ से बॉम्बे गए और आपको इतनी सराहना मिली है ये मेरे लिए बहुत ही और मेरे को फिर लगा कि हाँ एहसान सच में आप ही करते उसके बाद मैं मुंबई रहा चार साल मुंबई रहने के बाद रईस जैन सैम म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिन्होंने मेरे से बहुत मोहब्बत की और उन्होंने मेरे को बोला बेटा तू छोटे शहर से है कोई बात नहीं तू फिल्मों में गाएगा क्योंकि तेरे में हुनर है तो और उसके बाद मैं उनके लिए स्क्रैचेस गाए मैंने चार साल से स्क्रैचेस गा रहा था तो उसके बाद मेरे बहुत बिग मूवीज़ में मेरे सॉन्ग्स आ रहे हैं इंशाल्लाह येट टू कम आएंगे तो आप सब देखेंगे आप सब मोहब्बत करेंगे उसे तो उससे पहले मेरे को उन्होंने बोला कि पूरे का पूरा गाना तेरे पे सर की बदौलत रही जैन सैम प्रोडक्शन और जी म्यूज़िक मिल के मेरे को हिंदुस्तान की जनता के सामने ला रहे हैं मैं कोई टिकटॉक स्टार नहीं हूँ मैं कोई इतना बड़ा कोई स्टार नहीं मेरे को आप सबसे प्यार की ज़रूरत है क्योंकि एक आर्टिस्ट को जब आपसे आप लोगों से जनता से मोहब्बत मिलती है वो आर्टिस्ट और मेहनत करता है मैं अगर चार साल से मोहब्बत कर रहा था ये कर रहा था मेहनत कर रहा था तो मैं यही चाहूँगा कि आप प्यार करें और मेरे गाने को कल जो रिलीज़ हो रहा है 2 अक्टूबर को जी कंपनी से 2 अक्टूबर को प्लीज़ 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 उसे शेयर करें लाइक करें अपना फरीजा समझ के अपना एक फरीजा समझ के कि हाँ हमारा और मेरे जैसे यहाँ आर्टिस्ट हैं ये सूरज है ये सूरज डोगरा ये विक्की भाई हैं ये संयम भाई हैं ये सर हैं डायरेक्टर हैं हमारे ठीक है हमारी एक टीम है यंग यूथ जो है मैं मेरे दोस्त हैं सब यंग गन्स हैं मैं चाहता हूँ जैसे मैं आगे गया भाई जम्मू में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जितने सर हैं हमारे सब अच्छा काम कर रहे हैं मैं चाहूँगा खाली मेरी सपोर्ट नहीं करो आप मैं नहीं बोलता कि मेरी सपोर्ट करो इन सब मेरे भाइयों की सपोर्ट करो क्योंकि एक छोटे से शहर में ये सोच भी लाना ना बहुत बड़ी बात है जी तो ये सफ़र कर रहे हैं हम सब आप सब की ज़रूरत होगी आप अपना सपोर्ट शो करो जी म्यूजिक कंपनी में जाके उनको भी पता चले कि जम्मू का मुंडा छूना है आसमान से सिलेक्ट हुए थे बाकी में आसमान छू लिया है हम इनसे 2016 में इन्होंने इंडियन आइडल में गए थे हम चाहेंगे जो आपने पहला गाना वहाँ भी गुनगुनाया था यहाँ पे ओ मकतूल जिगर कातिल है नजर एक माह जबी एक नूर नगी रब की रुबाई या है तबाही घर नम सुराई
बोली इलाही अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भाई वाह बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भाई वाह वही बात अफगान चले भी माशूक पदे भी घायल है तेरा दीवाना जी हमारे साथ यहाँ पे सलम पढ़ने के लिए हम इनसे क्या मैसेज देंगे ये हमारे यूथ को अभी मैसेज यूथ को तो बहुत बार हम वीडियोस में दे चुके हैं कॉमेडी के थ्रू सरकाजम के थ्रू और सोशल मीडिया के सोशल इश्यूज पर भी बात करते हैं लेकिन आज एक मैसेज देंगे एहसान भाई के लिए और ये हमारे जम्मू कश्मीर की शान है हमारे पुंछ से आए हैं छोटे से गांव से आए हैं लेकिन उन्होंने छोटा पैकेट बड़ा धमाका और उन्होंने वही छोटा पैकेट बड़ा धमाका करके बताया है और बहुत अच्छा इनका एक सॉन्ग आने वाला है जिसका नाम है भूल चुके हैं हम और जी कंपनी एक बहुत बड़ा लेवल है और वहाँ से इनका सॉन्ग आ रहा है और मेरा मैसेज नहीं होगा आज मेरी अपील होगी अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो भाई को सपोर्ट ज़रूर करें 2 अक्टूबर को कल ये जी कंपनी की तरफ से सॉन्ग आ रहा है तो जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आती है जैसे ही आपके पास कोई लिंक आता है या जहां पर भी ये आपको वीडियो फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे शो होती है इस वीडियो को जरूर देखें चेहरे तो एहसान बहुत थे रब जैसे इंसान बहुत थे लेकिन एक बंदे से अपने जीने के अरमान बहुत थे अब छोड़ छाड़ सब यार चुके हैं सिगरेट का कश मार चुके हैं सुनेगा जी वैसे तो स्मोकिंग गलत है लेकिन लेकिन ये बहुत अच्छा बहुत इलेक्ट्रो हिप हॉप है एक नया जॉनर जी आपने इसमें सिगरेट जो पिया उसकी नहीं नहीं सिगरेट नहीं पीता मैं किसी को बोलूंगा भाई सिगरेट नहीं पीता भाई सिगरेट बोल लेकिन ये करना पड़ता है आर्टिस्ट को करना पड़ता है इलेक्ट्रो हिप हॉप है एक ट्रांस टाइप का एक नया चीज जो है इंडिया में आ रही है मैं चाहूंगा मोहब्बत अगर मेरा गाना अच्छा नहीं लगता कोई मसला नहीं डिसलाइक कर दो कोई चक्कर नहीं अगर अच्छा लगा अगर लग रहा है कि बंदे में टैलेंट है तो आपको चाहिए कि उसे शेयर करें ये थे हमारे साथ असगर जी और ये थे हमारे साथ सलम पंडित जी जिस तरह से इनको बॉलीवुड से सपोर्ट और प्यार मिला है अब ये जम्मू कश्मीर के हैं हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम भी इनको वैसा ही प्यार दे और सपोर्ट दे कल जो इनका गाना आ रहा है सब लाइक करें शेयर करें उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें तो ऐसी और भी अपडेट्स दें